हेलो गाइज हाई वेलकम टू रॉय डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड फ्रेंड गाइज़ आज इस सेशन में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल या फिर कोई एक टूल के बारे में नहीं बताने वाला ये नहीं बताने वाला कि गूगल एप्स कैसे अप्रूव करोगे ये नहीं बताने वाला कि आपकी साइट के अंदर ट्रैफिक कैसे आएगा ये नहीं बताने वाला कि फेसबुक में आप लाइक्स कैसे ज़्यादा लाओगे गईज इसके ऊपर तो मैं ढेर सारी वीडियो बनाता रहता हूँ गईज आज जो मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ उस पर मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगा कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग में आप मेरे को कॉपी करके या यू कैन से दैट कि जो मैंने पाथ को एक्सेप्ट किया था अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर को स्टार्ट करने के लिए वो आप कर पाओ कई एक टाइम था आज से बहुत सालों पहले जब डिजिटल मार्केटिंग मुझे भी बिल्कुल नहीं आता था आप में से बहुत लोग होंगे जो आज भी आप लोग फ्रेश हो और मैं भी उस टाइम पर आप ही की तरह बिल्कुल फ्रेश था कन्फ्यूज़ इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे तो मेरे पास बिल्कुल कोई भी सोर्सेस नहीं होते थे कोई भी रिसोर्स ऐसा नहीं था जहाँ से मैं कन्फर्म कर पाऊँ कि हाँ इस तरीके से मैं डिजिटल मार्केटिंग करूँ तो आज मैं अपनी जर्नी को आपसे रिवील करने वाला हूँ एज इट इज़ जो कि मेरे साथ हुआ है उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है मैं वो बता दूं सो दैट यू कैन ईजिली यू नो अंडरस्टैंड कि वट इज़ द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग माई दिस वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन तो गाइज़ पूरा वीडियो देखना कहीं से भी स्किप मत करना और अभी के अभी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो सब्सक्राइब करना आपके ऊपर है बेलाइकन के साथ कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो चाहिए तो यू कैन डू दैट तो टू 2009 से मैं डिजिटल मार्केटिंग कहीं ना कहीं यू कैन से दैट मैं करना स्टार्ट कर दिया था 2009 में डिजिटल मार्केटिंग एक वर्ड जो था वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं था उस टाइम पे ऐसा कुछ हमें पता ही नहीं था कि डिजिटल मार्केटिंग मार्केट में आएगी उस टाइम पे मैं क्या करता था अगर मैं बोलूँ सबसे पहले कि आई हैव स्टार्टेड माई जॉब यू कैन से दैट बहुत अर्ली स्टेज़ पर ट्वेल्थ करने के बाद ही मैंने जॉब करनी स्टार्ट कर दी थी और जॉब भी मैंने किया था किसी होटल इंडस्ट्री में जहाँ पर मैं बहुत ही एक छोटा काइंड ऑफ लेवल का जॉब करता था जो कि यू कैन से दैट मुझे बारह सौ मिलते थे अट्ठारह घंटे जॉब करने के लिए कभी कभार मुझे वहाँ पर नाइट शिफ्ट भी करना पड़ता था और मैं वहाँ पर नाइट शिफ्ट पूरे पूरे रात करके फिर मैं बारह सौ रुपये अर्न करता था महीने का बिलीव मी गाइज टूल्व हंड्रेड रुपीज इन टू थाउजें एंड नाइन वाई बिकॉज उस टाइम पे मेरे पास कोई स्कोप ही नहीं था कि मुझे क्या करना था तो कोई कुछ कहता था कोई कुछ कहता था तो जो भी मुझे सजेशन देते थे मैं उस अकॉर्डिंग काम करता था बट उसी दौरान गाइज मुझे ये पता लगा था कि मार्केट में ना लोग मेरे कुछ फ्रेंड्स well थे जो कि बहुत वेल ऑफ थे जो अफोर्ड कर सकते थे उन, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था तो उन लोगों ने अपने अपने जी एन आई आई टी या फिर अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस सब आ, अपने इंडस्ट्री को उन्होंने चुन लिया था और वो वहाँ पर चले गए थे तो मुझे इतना आइडिया लग गया था कि इतने लोग अगर जी एन आई आई टी कर रहे हैं या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड एम टेक बी टेक वगैरह जो भी है वो कर रहे हैं तो ज़रूर इसके पीछे रीज़न ये है कि इसका स्कोप बहुत अच्छा है लेकिन मैंने उस हर्ड को फॉलो नहीं किया मतलब उस झुंड को फॉलो नहीं किया कि हर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेगा या हर कोई कोडिंग करेगा तो मैं भी वही करूँगा मैंने उसी का ही एक ऐसा वर्जन चुना जो कि मुझे उनसे अलग बनाता था तो वो था इज़ मार्केटिंग कि मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में मार्केटिंग कैसे करूँगा ना वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के उस टाइम पे इतना स्कोप नहीं था कि सोशल मीडिया तक तो आया भी नहीं था कि फेसबुक उतना अच्छे लेवल पे इंडिया पे नहीं आया था ना ही ये पिंटरेस्ट ये इंस्टाग्राम था ही नहीं उस टाइम पे तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम चलता था वो था एस ई ओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मार्केट में कोई इसका हवा नहीं था जिनको पता था वो बहुत अच्छे लेवल पर करते थे क्योंकि उस टाइम पर कॉम्पिटिशन बहुत कम था लोगों ने बहुत ट्रैफिक उस टाइम पर जनरेट किया था अब मैं आपको सीधा बता दूँ कि मैंने कैसे करना स्टार्ट किया आई हैव स्टार्ट विद क्रिएटिंग वेबसाइट्स येस मैंने खुद वेबसाइट बनाना सीखा वहाँ डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ के सबसे पहले मैंने आर्टिकल्स में ये पढ़ना शुरू किया गूगल का सर्च मैं उस टाइम बहुत करता था कि कैसे एक वेबसाइट बनाई जाए तो सबसे पहले मुझे पता लगा कि एक वेबसाइट बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है आपकी डोमेन एंड होस्टिंग तो मैंने ये देखा कि डोमेन क्या होता है उसके बारे में बहुत रिसर्च किया कि डोमेन क्या होता है क्योंकि मुझे बताने वाला एज अ अंटॉल कोई था नहीं तो मुझे सब कुछ अपना करना था तो मैंने क्या किया डोमेन नेम के ऊपर बहुत रिसर्च किया फिर धीरे धीरे पता लगा कि डोमेन के बाद होस्टिंग भी होता है तो होस्टिंग पे बहुत रिसर्च किया तो ये सारा करने के बाद फिर मैंने उसको प्रैक्टिकल करना सही समझा गई अब बारह सौ की नौकरी जिसको जो कर रहा है बारह सौ में वो डोमेन होस्टिंग से बाय नहीं कर सकता तो मैंने क्या किया उस टाइम पे फ्री में बहुत सारे डोमेन्स मिलते थे जो कि सब डोमेन्स होते थे मतलब फॉर एग्जांपल मान के चलो कि अगर मैंने लिखा रॉयल डिजिटल डॉट 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 कॉम मतलब डैश डॉट कॉम कोई एक सब डोमेन था किसी कंपनी का जो कि अपना डोमेन दे रही है लेकिन एज अ स डोमेन फॉर्म में तो उसमें अगर मैं अपनी साइट होस्ट करूँ चलेगा और दूसरी बात कि मुझे होस्टिंग भी उस टाइम पर चाहिए थी तो होस्टिंग के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि मैं खुद इतना ऑर्डर नहीं करता था तो मैंने फ्री का वेब होस्टिंग उस टाइम पे फ्री का वेब होस्टिंग होता था गाइज ट्रिपल जीरो वेब होस्ट डॉट कॉम येस ट्रिपल जीरो वेब होस्ट ये आपको फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड करते थे अब वो फ्री में वेब पोस्टिंग क्यों प्रोवाइड करते थे उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा लेकिन ये दोनों यूज़ करके मैंने वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी स्टार्ट करी और उस टाइम पे मुझे वॉड बिल्कुल नहीं पता था कि वॉडप्रेस कुछ होता है राइट तो उस टाइम पर मैंने फिर ढूंढा कि ये ऐसे कैसे कैसे बना सकते हैं तो मुझे एक सॉफ्टवेयर मिला था जिसका नाम था शरीफ वेब प्लस शरीफ वेब प्लस का मुझे टॉरेंट में उसका बहुत वो था एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर था बट जैसे कि टॉरेंट में उसका मुझे किस तरह से एक फाइल मिल गया था तो वो मेरे लैपटॉप में चल गया था और वो लैपटॉप जो मेरे पास था गाई वो मेरा फर्स्ट लाइफ का एज अ डिजिटल प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट था जो कि एक टेन इंच का छोटा सा नेट बुक था वो नोटबुक भी नहीं था छोटा सा नेटबुक मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम उसे लिया था और बिलीव भी मेरा करियर वहाँ से स्टार्ट हुआ था और उस दिन मैं इतना खुश था कि मेरे पास एक नेटबुक आया है अब मैं बहुत मेहनत करके अपने करियर को आगे बढ़ाऊंगा तो उस छोटे से स्क्रीन में भी मैं बहुत सारे टास्क करके बहुत रिसर्च करके बहुत एक्सपेरिमेंट करके मैंने धीरे धीरे वेबसाइट बनाना सीख लिया था एज़ आपको भी मैं बता दूं अगर आज की डेट में आपको वेबसाइट बनाना आता है तो आपके पास ह्यूज स्कोप है क्योंकि उस टाइम पे तो मैंने वेबसाइट बनाया था अपने लिए बनाया था प्रैक्टिस के लिए तो अपने लिए बनाऊंगा क्योंकि मुझे उस टाइम पे कोई प्रोजेक्ट देगा नहीं बट जैसे जैसे मैंने वेबसाइट पे कमांड बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली कि वेबसाइट कैसे बन सकती है तब तक मुझे वेबप्रेस नहीं आता था वेबप्रेस तो मुझे आना शुरू हुआ था यू कैन से 2014 के आसपास या 15 के आसपास कैज़ उस टाइम पे मैं एच पे वेबसाइट बनाता था वो भी ड्रैगन ड्रॉप टूल से ही बनाता था नो कोडिंग बिकॉज मुझे नो कोडिंग का कोई नॉलेज नहीं है कैज अगर मैं बात करूं कि इसका मुझे बेनिफिट क्या हुआ था इसका बेनिफिट ये हुआ था कि मैं अपनी वेबसाइट खुद बनाता था अपने लिए अपने किसी भी काम के लिए और उस टाइम पे मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करता था खासकर उन दुकानदारों को जो कि बड़े लेवल पे चल रहे हैं लेकिन उनके पास वेबसाइट नहीं है मैं उनको उस टाइम पर प्रमोट करता था कि अगर आप वेबसाइट बनाओगे तो आप एक ऐसा ब्रांड काउंट हो गए वो बड़ी दुकान अपने आप में थी तो उसको लगता था कि पैसा तो उसके पास बहुत था क्योंकि ही इज़ अ बिग टाइकोन ऑफ आर पर्टिकुलर दैट लोकेशन तो उनको मैं जाकर खाल इन्फ्लुएंस करता था कि आप एक वेबसाइट बनवा लो मैं आपको बना के दे दूंगा तो उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि वेबसाइट जो है ये इतनी ईजी चीज़ है उनको लगता था ये बहुत कोई बड़ी एंटाइटी होती है इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं इंजीनियर्स चाहिए होते हैं इसको बनाने के लिए तो उस केस में क्या होता था कि वो मुझे ईजिली प्रोवाइड करते थे कि हाँ अगर आप बना सकते हो आप बना दो तो उसके लिए मैं उस टाइम पर चार्ज करता था पर वेबसाइट का फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट टू क्लाइंट देख के किसी से पाँच हज़ार ले लिया किसी से दस हज़ार ले लिया और इस तरीके से मेरा जो फर्स्ट अर्निंग यू कैन से दैट फ्रीलांसिंग स्टार्ट हुआ था वो वेबसाइट बनाने से स्टार्ट हुआ था ओके okay, तो वेबसाइट बनाने का मैं अगर बात करूं कि मेरी जो फर्स्ट अर्निंग हुई थी दैट सम वे अराउंड फाइव थाउजेंड रुपीज़ का मैंने एक प्रोजेक्ट उठाया था इन द ईयर ऑफ टू थाउजेंड ट्वेल्व ट्वेल्व में मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट एज अ फ्रीलांसर उठाया था वेबसाइट का जो मैंने फर्स्ट डिलीवरी दी थी वो मैंने उनको जस्ट विद इन अ वन वीक दे दिया था एंड दैट पर्सन वाज वेरी हैप्पी बट उससे भी ज़्यादा कोई हैप्पी था वो था मैं क्योंकि मैंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट उस टाइम पे कंप्लीट किया था अब वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये जो बिजनेस है मेरा ये बहुत कमाल का बिजनेस है क्योंकि वो मैं कर रहा था एज अ तो फ्रीलांसिंग बेसिस पे साथ ही साथ मैं जॉब भी कर रहा था तब तक मैंने अपनी होटल की जॉब जो है जहाँ पर मैं एक एसी प्लांट ऑपरेटर था वो सेंट्रलाइज ए होता था उनको ऑपरेट करना था उसमें मुझे बारह सौ रुपये मिलते थे मैंने वो जॉब छोड़ के अब मैंने कॉल सेंटर जॉब स्टार्ट कर दिया था कॉल सेंटर में मुझे नाइट में कॉल सेंटर में जाना होता था और दिन में मैं ये फ्रीलांसिंग जॉब कर दिया करता था तो इससे मैं उस दिन बहुत खुश था कि मेरी सैलरी कॉल सेंटर में जितनी थी वो थी मान के चलो बारह हज़ार रुपये और पाँच हज़ार रुपये मैंने एक प्रोजेक्ट डिलीवरी करके अर्न कर लिए थे तो उस महीने की मेरी सैलरी बनी थी सेवेंटीन थाउजेंड एंड टोटल मतलब मेरा रेवेन्यू बना था आई वॉज वेरी हैप्पी दैट डे मैंने उस दिन बहुत इन्जॉय किया था मेरा फर्स्ट जो पेमेंट आया था अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट से तो मुझे ये अंदाज़ा लग गया था कि अगर मैं सात दिन में एक पाँच हज़ार का प्रोजेक्ट डिलीवर करके अर्न कर सकता हूँ तो मैं अगर पूरे महीने में चार भी प्रोजेक्ट डिलीवर करता हूँ तो ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ तो मैं यहाँ से अर्न कर लूँगा फ्री लासिंग बेस में मुझे तो कॉल सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन उसके बाद भी मैंने जॉब नहीं छोड़ी मैंने क्या किया मैंने एक दो प्रोजेक्ट्स और उठाए और इस बार जो प्रोजेक्ट्स का मैंने प्राइस रखा था वो हाई रखा था मैंने इस बार सात हज़ार रुपये चार्ज किया था अपने दो और क्लाइंट को और इस तरीके से गाइज मैंने तीन महीने में ये डिसाइड कर लिया था और ये कैलकुलेट कर लिया था कि मेरा फ्रीलांसिंग का बिजनेस जो है मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग है बहुत ही अमेजिंग और उसके बाद मैंने इजीली कॉल सेंटर के जॉब को छोड़ दिया था क्योंकि अब मेरी मार्केट में होल्ड हो गई थी और कॉन्फिडेंस भी था एक्सपीरियंस भी था कि कैसे फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स को मुझे लेने हैं और उसको डिलीवर कैसे करना है जैसे जैसे मैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लेता गया गाइस बिलीव बिलीवी मेरी स्पीड बढ़ती गई मेरी वेबसाइट बनाने में क्योंकि अभी तक भी बर्ड नहीं था मेरे पास सिर्फ एच टी एम एल पर ड्रैगन ड्रॉप करता था मैं और वहाँ से बना दिया करता था पाँच पेज की एक मैक्सिमम वेबसाइट बनाता था एंड दे पीपल वड हैप्पी कि उनके पास वेबसाइट है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वेबसाइट बनाना काइंड ऑफ फ्री थिंग है हमारे लिए जिनको आता है सिर्फ डोमेन का खर्चा आता है और उनकी वेबसाइट में जो होस्ट कर जो करता था वो ट्रिपल ज़ीरो वेब होस्ट में करता था हाँ यहाँ पर एक दिक्कत आ गई गाइज़ कि डोमेन मैं उनसे फॉर एग्जांपल पाँच हज़ार रुपये लेता था और डोमेन उस टाइम पे मुझे चार सौ रुपये का या पाँच सौ रुपये का पड़ता था बाकी साढ़े चार हज़ार रुपये का मेरा जो था वो प्योर मार्जिन था और मैं होस्ट करता था ट्रिपल ज़ीरो वेब होस्ट में ट्रिपल जीरो वेब होस्ट का मुझे बाद में ड्रॉबैक पता लगा था क्या था उसमें फ्री में होस्टिंग तो हो जाती थी लेकिन उस पर्टिकुलर वेबसाइट में वो ट्रिपल जीरो वेब होस्ट जब हमें साइन अप कराता है तो वहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन साइन कराता है कि मैं इस पर्टिकुलर होस्टिंग में जो भी वेबसाइट होस्ट होगी उस पर उनकी एड चलेगी कई ये मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं उस टाइम पर खुद एक बिगिनर था एक एम था तो ये प्रॉब्लम फिर मेरे क्लाइंट्स ने मुझे बतानी शुरू कर दी कि वॉट हैपन हमारी वेबसाइट में किसी और का एड क्यों चल रहा है क्योंकि उस टाइम पे मुझे ये चीज़ पता नहीं था तो ये मेरे लिए ड्रॉबैक था मार्केट में कम्प्लेन्ट्स आनी शुरू हो गई थी तो मैंने फटाफट से फिर इसको रिसर्च किया कि उनकी वेबसाइट को ट्रिपल जीरो वेब होस्ट से मैं कैसे दूसरी होस्टिंग पर ला सकता हूँ क्योंकि उसका नॉलेज नहीं था मैं सिर्फ इनिशियल कूद पढ़ा था वेबसाइट बनाने में और किसी चीज़ में नहीं क्योंकि उस टाइम पर मुझे पैसा अर्न करने का स्कोप मिल गया था तो मैंने हर चीज़ छोड़ के सिर्फ वेबसाइट बनाना फोकस करना शुरू कर दिया था तो so वाइज उसके बाद मैंने क्या किया ये रिसर्च किया कि एक वेबसाइट होस्टिंग माइग्रेट हो जाती है फ्रॉम वन होस्टिंग टू अनदर होस्टिंग तो फटाफट फट से मैंने उस टाइम पर गोडाडी का होस्टिंग ले लिया लेकिन गोडाडी में मैंने वो होस्टिंग लिया गाइज़ जो कि मुझे मल्टीपल साइट होस्टिंग करने में हेल्प करता था मतलब आप एक ही होस्टिंग में मल्टीपल साइट होस्ट कर सकते हो तो उस टाइम पे मैंने फर्स्ट जो होस्टिंग ट्रांसफ़र की थी ट्रिपल जीरो वेब होस्ट से वो मैंने अपने गोडेडी पे किया था और इस तरीके से घोडाड़ी पर मैंने फिर अपने उस टाइम तक सेवेंटीन मेरे क्लाइंट्स थे उनको मैंने अपने इसमें कर दिया था माइग्रेट अपने गोडाडी में तो गई इस घोडाड़ी में मैंने 17 अपने जो उस टाइम तक हमारे क्लाइंट्स थे हमारे मतलब मेरे था मैं उस टाइम पे इंडिविजुअल था मैंने ट्रांसफर कर दिया था एंड नाउ दे वर हैप्पी कि उनकी वेबसाइट में कोई ऐड नहीं चल रहा है तो गई इस तरीके का जर्नी मैंने स्टार्ट किया था अब उस साल पूरे साल मैंने मोर देन गाइज मोर देन कह रहा हूँ 58 क्लाइंट्स बनाए थे पहले ही साल में 58 क्लाइंट्स अब 58 क्लाइंट्स अगर मैं एवरेज मान लूँ भी मैंने अगर फाइव थाउजेंड चार्ज किए थे तो गाइज़ यू कैन कैलकुलेट अगर मैं बात करूँ आई एम नॉट गुड इन मैथ्स आई कीप ऑन सेइंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन मैं बोलता रहता हूँ तो फिफ्टी एट मल्टीप्लाइज बाई अगर फाइव थाउजेंड करता हूँ तो गाइज़ मैंने दो लाख नब्बे हज़ार रुपये की अर्निंग उस पहले साल में की थी अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस से तो इसका अगर डिवाइडेड मैं करूँ ट्वेल्थ से तो गाइज़ कहीं ना कहीं चौबीस हजार रुपये की मेरी सैलरी बन रही थी बिजनेस से मेरे एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट टाइम व्हाई बिकॉज मैं बारह हज़ार रुपये अर्न करने वाला का डबल अर्न करता हूँ वो भी विदाउट बॉस कोई मेरे पर बॉस नहीं कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है रात को जगना नहीं है तो ये मेरे लिए एक बहुत प्रॉफिट का सौदा था अब नेक्स्ट ईयर से क्या मुझे फ़ायदा और होने लग गया अब मैंने जो एग्जिस्टिंग थे उनका रेन्यूल ऑफकोर्स वो रिन्यू कराएंगे क्योंकि उनकी वेबसाइट रन होनी शुरू हो गई है अब वो उसे बंद नहीं कर सकते थे तो उनका रिन्यूअल और नेक्स्ट ईयर का और क्लाइंट्स तो ये अब मेरा जो है बिल्कुल एक काइंड ऑफ एमलगेट हो रहा था कि ये बढ़ता ही जा रहा था कंपाउंड इफेक्ट पड़ गया था इसमें कि मैं रिन्यू करता जा रहा था हर साल और नए बनाते जा रहा था तो दो तीन साल मेरा लाइफ का बहुत स्मूथ गुजरा था जिसमें मेरा खर्चा कुछ नहीं होता था क्योंकि मेरे पास मल्टीपल वेबसाइट होस्टिंग हुआ करती थी उस टाइम पे हाँ गोडाडी में भी मैंने फिर उसको स्विच कर लिया था और गोडाडी से भी स्विच करके मैंने दूसरी होस्टिंग ले ली थी उस टाइम पे क्योंकि गोडाडी का जो प्रोसेसर था वो बहुत स्लो था आई डो नॉट फाइंड दैट गुड क्वालिटी इन गोडाडी बट उसके बाद मैंने स्विच करके एक नए होस्टिंग में मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया था माइग्रेट कर दिया था तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी सो so नाउ अब मैं आपको बता रहा हूं इतना ही नहीं आगे की जर्नी और भी रही मेरी कैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसमें से बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स थे जिन्होंने खुद कहा था कि यार हमारी साइट तो गूगल पे दिखती ही नहीं है मैंने कहा सर इसके लिए एस करना होता है और मेरा फर्स्ट एसियो प्रोजेक्ट्स उन्हीं क्लाइंट्स में से एक का मिल गया अब एस करने के लिए भी फिर मैंने दिन रात रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि तब तक मैं खाली सर वेबसाइट बना रहा था एसियो मुझे नहीं पता था तो एस जब मैंने स्टार्ट किया यू कैन से दैट दो या अगेन uh, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है मैंने एस का फर्स्ट आर्टिकल कब पढ़ा था कि एस कैसे करते हैं 2012 या 13 के बीच का ही कोई एक टाइम uh, होगा जब मैंने ये स्टार्ट किया था तब मैंने एस पे फुल फ्लैचडली काम करना स्टार्ट कर दिया था उसके आर्टिकल पढ़ना उसके कुछ यूएस uh, के uh, जो डिजिटल मार्केटर थे उनके वीडियोस देखना तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया था उस टाइम पे और फिर मैंने अपने फर्स्ट क्लाइंट का एस भी करना स्टार्ट कर दिया था तो गाइज देखो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी मेरी ऐसे स्टार्ट हुई थी और यही मैं चाहता हूँ कि आप ही इस तरीके से करो एक बार अगर आपका एक क्लाइंट बन जाता है गाइज वो आपको कई सालों तक इनकम दे सकता है और आप हर डेली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे जितने भी क्लाइंट्स बनाते हो वो हर साल आपके साथ रिन्यू होते हैं या हर महीने रिन्यू होते हैं अगर आप ए कर रहे हो तो हर महीने रिन्यू होगा अगर वेबसाइट बना रहे हो तो हर साल रिन्यू होगा और इस तरीके से आप अपना जो बिजनेस है अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस एक लंबे अरसे तक आप एक अच्छे लेवल पर पहुंचा सकते हो ये फ्रीलांसिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में अब गाइज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो यही है क्योंकि आप में से बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन आया था कि हम डिजिटल मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करें तो गाइज आई होप आपको यहां से मेरा एक बहुत ही गो थ्रू मिल गया होगा एक पाथ मिल गया होगा कि मैंने अगर ऐसा स्टार्ट किया तो आप भी कर सकते हो गाइज वही ट्रिपल जीरो वेब होस्ट जो है आज की डेट में होस्टिंगर है यस yes, होस्टिंगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है होस्टिंग में जो आपको प्रोवाइड करता है एक अफोर्डेबल होस्टिंग यू कैन से दैट मैं आज के डेट में अपने क्लाइंट्स से जो वेबसाइट होस्ट करता हूँ वो मैं होस्टिंगर पे कर देता हूँ बिकॉज होस्टिंगर इतना एफोर्डेबल आई डोंट नो वो कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं बट उसमें कोई क्वालिटी इशू मुझे ऐसा तो कभी नहीं दिखा कि जस्ट बिकॉज ऑफ वो इतना सस्ता है तो वो क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होगा बट मुझे नहीं दिखा तो इसलिए गाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप होस्टिंगर ले लो क्योंकि होस्टिंगर में जो उसका प्रीमियम वेब होस्टिंग है उसमें आप मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और सबसे बड़ी बात होता है क्या है होस्टिंगर में वो आपको एक डोमेन नेम फ्री में दे रहा है जो कि अपने आप में एक नौ सौ रुपये या नौ सौ रुपये प्लस टैक्स मिला के वो हज़ार रुपये समथिंग का हो जाता है गोडाडीड में या साइड ग्राउंड में कई साइड ग्राउंड नो डाउट बहुत अच्छा है अगर आपको लेना है साइड ग्राउंड ले सकते हो लिंक मैंने नीचे दे दिया है आप वहाँ से साइड ग्राउंड भी ले सकते हो लेकिन उसमें डोमेन का आप अलग पे करोगे होस्टिंग पे डोमेन नेम इंक्लूड है आपका तो अगर आपको अपने लिए वेबसाइट बनानी है तो आप होस्टिंगर को ही लेना क्योंकि उसमें डोमेन आपको फ्री में मिल जाएगा तो उसका अलग खर्च आपको बेयर नहीं करना पड़ेगा और तो और ऑर्गाइज आपको उसमें एक एस भी फ्री में मिलेगा जो कि गोडीली में मुझे साढ़े तीन हजार रुपये का एक एस एस एल पड़ता है एस एस एल आज के डेट में मैंडेटरी है अगर आप अच्छी तरह से रैंक करना चाहते हो गूगल पे क्योंकि उसके बिना आप गूगल पे रैंकिंग नहीं कर पाओगे तो इस तरीके से गाइज होस्टिंगर से आप प्रीमियम वेब होस्टिंग बाय कर लो जो कि इसलिए बोल रहा हूँ रिकमेंड मैं कर रहा हूँ आपको क्योंकि आप इनिशियल डेज पे हो आप ज्यादा खर्च मत करो साइड ग्राउंड पे सेम वही चीज़ आपको शायद पड़ेगी छः हज़ार की यहाँ पर आपको वो चीज़ इंक्लूडिंग डोमेन एंड होस्टिंग तीन हज़ार का पड़ेगा 50 परसेंट इनिशियल डेज में बहुत अच्छा है इनफैक्ट अगर ऐसे लाइफ टाइम चलाना चाहते हो तो भी बहुत बढ़िया है जल्दी से खरीद लो लिंक मैंने नीचे दे दिया है अगर आपने होस्ट ले लिया है अब आप मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर सकते हो तो तीन इसमें आप मार्केटिंग के तरीके यूज कर सकते हो जिससे आपको क्लाइंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे इनिशियल डेज में ना क्लाइंट्स को बहुत अच्छा अच्छा ऑफर दो ऑफर ये दो फॉर एग्जाम्पल तीन हजार में वेबसाइट बना दो उनकी हजार में बना दो या पाँच में बना दो क्योंकि आपके लिए तो फ्री है होस्ट पे होस्ट करना तो इसके लिए सबसे पहले आप ओ पे डेली बेसिस पे ना एक एड बना दो एड मतलब फ्री में लिस्टिंग कर दो कि आप वेबसाइट बना के देते हो आप 2000 हज़ार रुपये में वेबसाइट बना के देते हो आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके पास एस एम एस आ रहे हैं ई मेल्स आ रहे हैं दो हज़ार में वेबसाइट बना लो वो यही प्रोसेस यूज करते हैं तो आप भी कर सकते हो ओ एल एक्स में डेली बेसिस में जाओ और वहाँ पर लिस्टिंग करो कि आप वेबसाइट बनाते हो डेफिनेटली ओ एल एक्स से आपको कुछ ना कुछ रिटर्न uh, जरूर आएगा मतलब लोग आपको कॉन्टैक्ट जरूर करेंगे उनको अच्छा एक ऑफर दो कि वो आपको जितना भी पे करेंगे उसमें डोमेन एक्स्ट्रा रहेगा डोमेन का उनसे चार्ज करा लो डोमेन का डॉट इन चार्ज कराना क्योंकि डॉट इन चार सौ में मिल जाएगा अगर आपके क्लाइंट को आप कन्विंस नहीं कर पाए तो वो बोलेंगे डॉट कॉम चाहिए उनको तब प्रॉब्लम आएगी रीजन भी क्योंकि डॉट कॉम फिर वो सौ रुपये का होगा पता नहीं वो आपके जो मार्जिनल प्राइस है जो आप एक फीस चार्ज कर रहे हो वेबसाइट बनाने का तीन हजार पाँच हज़ार वो उससे ऊपर वो देगा या नहीं देगा अगर देगा तो ठीक है नहीं देगा तो आपको बाय करना पड़ेगा एंड विच वुल बी अ कॉस्ट टू यू यूज़ आप कोशिश करना कि अपने क्लाइंट को आप डॉट इन में कन्वर्ट कर पाओ क्योंकि डॉट का डोमेन नेम जो है आपको सस्ता पड़ेगा और आपका मार्जिन प्राइस बहुत ज़्यादा फिर उससे कम नहीं होगा ओके तो इस तरीके से गैज आप हर महीने कोशिश करो कि आपके पास मिनिमम पाँच हजार वाले दस प्रोजेक्ट्स आ ही जाए अगर मैं दस को एक सेफर साइड में लेके चल रहा हूँ कि दस तो आना ही चाहिए जिससे पाँच हज़ार रुपये आप अर्न कर लोगे पर वेबसाइट का तो पचास हजार जिसमें से मैं मान के चलता हूँ अगर डोमेन वोमिन सब हटा भी दूँ तो आप फोर्टी थाउजेंड रुपीज तो अर्न ही कर लोगे हर महीने ईजिली बट मैं एक सेफर साइड में बात करता हूँ कि मिनिमम पाँच प्रोजेक्ट तो आप कोशिश करना कि आपको मिल जाए और उसके लिए मैंने बताया कि पहला प्लेटफॉर्म है आप ओ यूज करो सेकेंड प्लेटफॉर्म है जस्ट डायल पर लिस्टिंग कर दो जस्ट डायल से भी आपको अच्छा खासा बिजनेस मिल सकता है हाँ ये बात तो है कि जस्ट डायल में जो प्रीमियम लिस्टिंग है उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है बट आप जस्ट डायल में भी कर दो और थर्ड जो आप होस्टिंग से वेबसाइट बनाओगे उसका एस कर दो एस करने से क्या होगा इस आपकी साइट का जो रैंक है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और वहाँ से भी ट्रैफिक मिलेगा और ट्रैफिक से आपको बिजनेस मिलेगा वहाँ पर एक फॉर्म लगा देना कि आपको लोग कॉन्टैक्ट कर पाए आपकी वेबसाइट के लिए तो ये तीन बहुत बेटर तरीके हैं जिससे आप इनिशियल डेज में फ्रीलांसिंग में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद उन्हीं क्लाइंट्स को आप एस पिच करो उन्हीं क्लाइंट्स को आप सोशल मीडिया पिच करो कि सोशल मीडिया आप उनका आ, मार्केटिंग करके दोगे उन्हीं क्लाइंट्स को धीरे धीरे पिच करो ईमेल मार्केटिंग तो इस तरीके से एक क्लाइंट आपके साथ काफ़ी साल तक लगा रहेगा और हर महीने एक नया क्लाइंट बनेगा तो इससे क्या है आपका जो करियर है वो बिल्कुल स्टेबल मोड पे आ जाएगा तो गाइज़ ये मेरा खुद का पर्सनल लाइफ जर्नी थी जो कि मैंने स्टार्ट किया था बारह सौ के जॉब से और अगर बात करूँ तो मेरी फर्स्ट ईयर की जो अर्निंग थी वो कहीं ना कहीं टू लैख नाइन्टी थाउजेंड रुपीज़ थी विच वॉज़ वेरी गुड और आज की जो हमारी जर्नी है गाइज बिलीव मी आज वी आर इन टोटल ट्वेंटी पीपल एंड मोर देन गाइज़ पर ईयर का टर्न ओवर जो है हमारा थ्री सी आर वी क्रॉस हो चुका है तो दैट इज़ द रीज़न गाइज दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ जर्नी जो मैंने आपसे शेयर किया है कहीं ना कहीं आपको ये मोटिवेट करेगा आपको अच्छा लगेगा कि हाँ अगर मैं भी एक नॉर्मल बंदा अचीव कर सकता हूँ क्योंकि मैं कोई हाई फाई बंदा नहीं हूँ मेरे भी पेरेंट्स बहुत वेल ऑफ नहीं थे बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में मैं भी आ, मेरी भी रेजिंग हुई है तो इस तरीके से अगर आप सोच रहे हो कि हाँ आपके पास पैसे नहीं है तो इट्स नॉट अ बिग डील आपको इनिशियल डेज में इस तरीके से चलना है मेहनत करना है और आप बिल्कुल सक्सेस हो जाओगे इस बीच आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो गाइज़ डेफिनेटली डिजिटल की टीम आपके लिए हमेशा रेडी है आप हमसे हेल्प आराम से ले सकते हो आपकी कोई भी जरूरत है गाइडेंस चाहिए सजेशन चाहिए हम आपके लिए रेडी रहेंगे तो गाइज़ कैसा रहा मेरा ये पर्टिकुलर जो जर्नी का जो ये वीडियो था आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो इससे हमारा मोटिवेशन अप होगा और ऐसे ही मैं आपको आगे भी वीडियोज देता रहूँगा डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज़ पर सो so दैट आप अपने करियर को कैसे ड्राइव करोगे वो आपको वहाँ से आइडिया मिल जाए डॉगाइ आई होप यू हैव इंजॉयड दिस सेशन हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स